नमस्कार। संयोग से मैं आज खेतीखान में पंडित हर्षदेव ओली जी के जन्म स्थान गोसनी के जागुली बाबा के मंदिर में हूँ। जागुली यहाँ की समस्त जनता के आराध्य के रूप में पूजे जाते हैं और जिनकी बहुत अधिक मान्यता है। यह रमणीक स्थान बहुत विविधताओं से भरा हुआ है। आज मैं आपको काफ़ी नज़दीक से इस मंदिर के दर्शन कराता हूँ। बांज और देवदार के घने वृक्षों से घिरा हुआ है यह अलौकिक स्थान, अत्यंत रमणीक है। यहाँ पर जागुली बाबा क्षेत्रीय जनता के आराध्य के रूप में पूजे जाते हैं। यह स्थान बहुत ही विविधताओं से भरा हुआ है। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जो चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, यानी कि गंगा जी स्वयं आकर के जिस मंदिर की परिक्रमा करती हैं वह मंदिर कितनी बड़ी आस्था का केंद्र होगा यह आप खुद ही समझ सकते हैं। जागुली हमारे देवाधिदेव महादेव के अंश के रूप में यहाँ पर पूजे जाते हैं। यह देखिए, चारों स्थान से, चारों तरफ से यह स्थान नदियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर उनके जो पंडित जी मंदिर के पुजारी जी बताते हैं कि यही वो स्थान है जहाँ पर जागुली बागुली दो भाइयों ने तपस्या की थी और क्षेत्र में तमाम जो उस समय प्रेतात्माएं विचरण करती थी उन पर विजय पाई थी देवाधिदेव महादेव की कृपा पाकर के। आइए पंडित जी से ही जानते हैं कि जागुली बागुली कौन थे। नमस्कार पंडित जी, बताइए जागुली बागुली जी का क्या परिचय है? सबसे पहले आपके यहाँ इस जागुली बागुली बाबा देवस्थल पर आने पर हम सब लोग आपका स्वागत करते हैं। जागुली बागुली का स्थान लगभग यहाँ खरकवाल वंश आए थे, इससे पहले यहाँ ओली वंश पूजा करते थे। कम से कम 300 शताब्दी के आसपास यहाँ का इतिहास रहा है। जागुली जी ने यहाँ पर किस प्रकार से तपस्या की थी, क्या किस प्रकार के किसके अंश हैं वो देवताओं में? जागुली बाबा जो हैं यहाँ शिव के अंश माने जाते, शिव के अंश हुए और यहाँ विष्णु भगवान की भी पूजा की जाती है तथा उनके गुरु जो हैं भगवान शिव भोलेनाथ हैं, उनकी सिद्ध स्थली इन्होंने अपने गुरु के लिए अलग स्थान दे रखा है। यहाँ पर उनके सपरिवार रूप में पूजा की जाती है। जगदम्बा आदिशक्ति भी इसके अंदर इनकी स्थापित की हुई है जिन्हें हम कलश के रूप में उनकी पूजा करते हैं। यानी कि हमारे कुमाऊँ क्षेत्र में जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं सब लोग अपना अपना आराध्य मानकर यहाँ पर सबकी पूजा की जाती है। यहाँ सबकी पूजा की जाती है एक ही स्थान पर। चार गाँव की पूजा है, यहाँ पर चार गाँव का ही चौगान होती है तथा यहाँ एड़ी देवता भी का भी स्थल यहीं पर पूजा की जाती है। उनकी नवरात्रि भी पहले शताब्दियों से पहले यहीं की जाती है। यहाँ पर मुख्य पूजन किस दिवस में होता है? नवरात्रि मुख्य पूजन नवरात्रि प्रथम प्रतिपदा से आरंभ होकर के नवमी तक यहाँ नवरात्रि होती है। तो नवमी को यहाँ प्रारण किया जाता है तथा जितने भी हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार अवतार हैं उन अवतारों की तिथियों पर यहाँ पूजा की जाती है, जिनमें मुख्य मुख्य तिथि मत्स्य अवतार होता है। मत्स्य अवतार के दिन हम यहाँ दही दूध बंटवाते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। कुर्म अवतार होता है, कुर्म अवतार के दिन हम यहाँ भगवान की वैशाखी कुर्म अवतार के दिन हम यहाँ होम कराते हैं तथा राम का अवतार के दिन हम यहाँ नवरात्रि रामायण के रूप में उनकी पूजा करते हैं। बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसा विशिष्ट स्थान है जहाँ पर आपको किसी अलौकिक शक्ति की अनुभूति होती है या कुछ ऐसा लगता है कि यहीं पर जो है देवाधिदेव विराजमान है? तो जो साधक, ये तो आप साधक लोगों के ऊपर हुआ कि हम किस तरह से हम पूजा करते हैं, कहाँ पर भगवान है, कहाँ पर भगवान विराजमान करते हैं, उनको किस प्रकार से हम उनके अंश को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, उनकी पूजा हम किस प्रकार से करते हैं। लेकिन भगवान शिव का जो है, शिव भगवान भोलेनाथ, एड़ी देवता, कैलपाल बाबा, नवदुर्गा देवी भी हम तथा आदित्य नवग्रहों के नाम से यहाँ पर पूजा की जाती है। सभी देवताओं की यहाँ पर नवग्रहों के नाम से जागरण किया जाता है तथा इस स्थल पर ही महाजागरण के नाम से प्रसिद्ध है, देवस्थल कहा जाता है जहाँ पर सभी देवों के क्या आराधना रूप में एक महाजागरण किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंडित जी बता रहे हैं कि लगभग 300 वर्षों से यहाँ पर देवाधिदेव महादेव के रूप में, अंश के रूप में जागुली बाबा के नाम से यहाँ पर पूजा होती है। यह गर्भगृह है, इसके अंदर जहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री पंडित, यह गर्भगृह है। सुंदर देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ यह स्थान अपनी पहचान पुनः खुद ही स्थापित करता है। दूरस्थ क्षेत्रों में यदि किसी भी दिशा से इस मंदिर के दर्शन करें तो आपको दो ही देवदार के वृक्ष दिखाई देंगे,
जबकि यहाँ पर बहुत सारे देवदार के वृक्ष हैं। स्वतंत्रता संग्राम में यह स्थान हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कर्मस्थली भी रहा है। यहाँ पर पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी भी आए हुए हैं, गोविंद वल्लभ पंत, हर्षदेव ओली जी, बद्रीदत्त पांडे जी, सब लोग इस जागुली धर्मशाला में रहा करते थे रात को, और यहीं से स्वतंत्रता संग्राम के रणनीतियों को तय करते थे। कुल मिलाकर के यह स्थान बहुत ही अनेकानेक विभूतियों से परिपूर्ण है, लेकिन यह जलकुंड है जहाँ पर दिन में 3 बार यहाँ पर उपासक जो भी मंदिर में रहते हैं वह स्नान करते हैं। काफ़ी शुद्ध गंगा जी के रूप में जल यहाँ पर, इसका कार्य अंग्रेजों ने किया। इस दिव्य धर्मशाले का निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया है। 1800 शेष बचा हुआ काम हर्षदेव ओली 1836 में किया गया ना, 1836 में, और उसके बाद जो अवशेष काम था वो पंडित हर्षदेव ओली के सानिध्य में पूरा किया गया है, ऐसा पंडित जी बताते हैं। यदि आप लोग इस दिव्य स्थान के दर्शन करना चाहें तो लोहाघाट से यह स्थान 12 किलोमीटर दूर है, और चंपावत से खेतीखान होकर के यदि आप आना चाहें तो लगभग 30 किलोमीटर दूरी तय करके आपको इस अलौकिक स्थान के दर्शन हो सकते हैं। आप लोग देवादिदेव महादेव के अंश के रूप में पूजे जाने वाले जागुली और बागुली बाबा के कृपा के पात्र बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।